बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएचएस का यूनिट नंबर 12 है, मसल्स एंड मूवमेंट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स हैं, जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल है। उसके अलावा हमने इस सिलेबस में जो करना है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम बात करेंगे सार्कोमियर की, उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सार्कोमियर के अंदर किस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स और उसमें अल्टीमेट थिक और थिन फिलामेंट्स लेवल पर जब हम बात जाएंगे, सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रोल, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, और फिर उसके कंट्रोल के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो कैसे प्रोवाइड हो रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। जो कंटेंट्स हैं, ये टोटल कंटेंट्स आपको चैप्टर नंबर 16, ठीक है, जो आपका जो ग्रुप 2 है उसमें चैप्टर नंबर 16 उससे जो है वो आपको जो वो मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 16 में जो मस्कुलर सिस्टम्स हैं ह्यूमन के रिलेटेड जो पोर्शन है उसमें से वहां से आपको ये टोटल कंटेंट्स मिल जाएंगे। अब हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मसल्स की टाइप्स की, और उसकी टाइप्स डिस्कशन के बाद फिर हम बात करेंगे उसमें एक स्पेसिफिक स्केलेटल मसल की, और फिर स्केलेटल मसल में हम बात करेंगे कि स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके जो है वो फंक्शन क्या है, किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तीन तरह के मसल्स हैं हमारी बॉडी में, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसमें जो स्मूथ मसल्स है उसके ऊपर किसी तरह की स्ट्रिप्स मौजूद नहीं है, धारियां मौजूद नहीं है, अपीयरेंस में वो बड़े स्मूथ से दिखाई देते हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं उसके ऊपर रेगुलर स्ट्रिप्स मौजूद है, और जो स्केलेटल मसल हैं इनको हम स्ट्रेटिएटेड मसल्स भी कहते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर रेगुलर स्ट्रिप्स मौजूद है, स्ट्रेटिएशंस मौजूद है। स्मूथ मसल्स की जो शेप है वो स्पिंडल शेप है, और जो कार्डियक मसल्स हैं ये फाइबरस है, स्केलेटल मसल भी फाइबर्स की तरह के ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और स्केलेटल मसल्स अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, दे मे बी स्पिंडल लाइक, लेकिन मेनली उनकी जो है वो शेप वो सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल, स्मूथ मसल में हर सेल में एक एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, कार्डियक में 1 to many हो सकते हैं, और स्केलेटल मसल के अंदर मैनी न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की स्लो है, कार्डियक मसल्स की इंटरमीडिएट स्पीड है, और जो स्केलेटल मसल है उसकी स्लो टू रैपिड है, स्लो स्पीड भी हो सकती है और अकॉर्डिंग टू नीड क्विक रिस्पॉन्स रैपिड स्पीड भी जो स्लो हो सकती है। जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पॉन्टेनियस हैं, कार्डियक भी स्पॉन्टेनियस हैं, स्केलेटल मसल जो हैं ये बेसिकली वॉलंटरी इन एक्शन है, कंट्रोल तो इनको नर्वस सिस्टम ही कर रहा है, पीछे भी नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल है स्मूथ मसल्स के साथ भी। जो कार्डियक मसल्स हैं
वो टोटली स्पॉन्टेनियस है, उसमें उसके अंदर नोड्स मौजूद है हार्ट में, वही उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल है इसको बाकायदा मोटर नर्व्स जो है वो आके कंट्रोल करते हैं। स्मूथ मसल्स का जो काम है वो जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट को कंट्रोल करना। ब्लैडर्स जितने भी हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे गॉल ब्लैडर है, दैट इज आल्सो मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल्स हैं, हमारा ट्यूबुलर डाइजेस्टिव ट्रैक उसमें भी स्मूथ मसल्स हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं उनका काम ब्लड को पंप करना है, और जो स्केलेटल मसल्स हैं उसका काम लिम्स की मूवमेंट करवाना है। बेसिकली स्केलेटल मसल्स वो बोन्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं, वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जब सबब बनते हैं तो बोन्स मूव करते हुए एज अ लीवर काम करते हुए उनकी मूवमेंट होती है और लिम्स उनके अंदर मूवमेंट आती है। स्मूथ और कार्डियक मसल्स ये दोनों इनवॉलंटरी हैं और स्केलेटल मसल्स ये हमारे वॉलंटरी हैं। इन तीनों की बुक में ये एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये वाली। इस डायग्राम में जब वो दिखाया गया हुआ है कि स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर में न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा है, कार्डियक मसल में ये आपको ब्रांचिंग नजर आ रही होगी, और जो स्मूथ मसल फाइबर है उनकी शेप ये स्पिंडल लाइक है और एक उनमें एक एक न्यूक्लियस ही पर स्पिंडल, ठीक है। यही चीज हमने डिस्कस की थी कि स्केलेटल मसल के अंदर आपको स्ट्रेटिएशन भी नजर आ रही है और न्यूक्लियस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं, कार्डियक मसल में आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं और फिर इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद है, ये दरमियान में ये देखिए इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद है, ये स्पेसिंग है। और अगर आप स्मूथ में देखें तो इनकी शेप भी स्पिंडल शेप वाजिया नजर आ रही होगी और आपको एक एक न्यूक्लियस पर सेल इसमें क्लियर नजर आ रहा है। तो ये तीन टाइप्स है मसल्स। हमारा इसमें जो टॉपिक है वो स्केलेटल मसल के ऊपर है कि स्केलेटल मसल क्या है। स्केलेटल मसल ये वॉलंटरी स्ट्रेटिएटेड मसल्स है, स्ट्रिप्ड मसल्स है। अगर हम एक मसल की बात करें ना तो मसल के तीन हिस्से होते हैं, एक उसका ओरिजिन, एक उसका इंसर्जन और एक उसकी बैली। ओरिजिन और इंसर्जन दोनों पॉइंट्स पे टेंडन्स मौजूद हैं जो इसको बोन्स के साथ अटैच किए रखती हैं, और जो बैली है उसकी उसमें सारे के सारे मसल बंडल्स मौजूद हैं, और वो मसल बंडल्स उनके अंदर मसल फाइबर्स मौजूद हैं, और वो मसल फाइबर्स ये वो सेल्स हैं, मसल के सेल्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करनी है। तो इसका मतलब है कि मसल के अंदर जो मसल बंडल्स हैं और उसमें जो मौजूद मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रेक्शन का सबब बन रहे हैं। बैली का जो पोर्शन है, मसल की जो बैली है वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करवा रही है। तो ईच मसल कंसिस्टिंग ऑफ मसल बंडल एंड मसल बंडल कंसिस्टिंग ऑफ मसल फाइबर एंड मसल फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ जो असल सेल है वो मसल फाइबर है, जिसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, जिसमें ओवल शेप न्यूक्लियाई भी है जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज मैरीन नंबर, जिसका डायमीटर जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर है मसल फाइबर का। इसके अंदर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, इसमें कुछ दूसरे ऑर्गेनाइल्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है और ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन की तादाद भी मौजूद है, ठीक है, ताकि ये ज्यादा ज्यादा एनर्जी रहे, ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ज्यादा ज्यादा एटीपी बना के अपनी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन में मदद दे रहे हैं। ये जो मसल बंडल है, अगर आप इसमें देखें आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक मसल में बेशुमार मसल बंडल्स हैं। सबसे पहले ये देखें, ये पूरे के पूरे मसल के ऊपर एक बारीक सी कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एपिमाइसियम। फिर उसके बाद अंदर मसल बंडल है और हर मसल बंडल के इर्द गिर्द कवरिंग है, ये हर मसल बंडल को जो कवर की हुई है लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज कॉल्ड एज पेरिमाइसियम।
और फिर उसके बाद हर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर्स मौजूद है और मसल फाइबर्स के दरमियान भी कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमायसियम। इसके अंदर मसल फाइबर मौजूद है और उसमें अगर हम बात करें मसल फाइबर को, एक मसल फाइबर लेके देख लें तो एक मसल फाइबर की सबसे बाहर पहली सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। उसके अलावा आप ये देखें, आपको इसमें मसल में ब्लड वेसल्स भी नजर आएंगी, ठीक है, ब्लड सप्लाई भी आपको इसको मिलेगी और ये मसल वाया टेंडन ये बोन के साथ जो है वो अटैच हुआ होगा। ठीक है, तो खैर ये एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है, इसका आपकी बुक में जिक्र नहीं है लेकिन सार्कोलेमा का जरूर जिक्र है। सार्कोलेमा क्या है? दैट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल, दैट इज द सार्कोलेमा। अब उसके बाद हम बात करें, हर मसल बंडल कंसिस्ट करता है मसल फाइबर्स पे और मसल फाइबर्स कंसिस्ट करते हैं मायोफिब्रल्स पे। हर एक मसल फाइबर में मायोफिब्रल्स मौजूद है और ये जो मायोफिब्रल्स हैं, मायोफिब्रल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स मौजूद हैं और वो मायोफिलामेंट्स एक दूसरे के साथ अरेंज होके मायोफिलामेंट्स वो सार्कोमियर बना रहे हैं। ठीक है, तो मायोफिब्रल्स जो हैं ये 1 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर की हैं। मायोफिब्रल्स में एक से दो मायोफिब्रल्स में मायोफिलामेंट्स हैं और मायोफिलामेंट्स दो तरह की, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। ये थिक और थिन फिलामेंट अल्टरनेट अरेंज होके ये सार्कोमियर बनाते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट अरेंज होके सार्कोमियर बनाते हैं। कैसे, ये हम इस डायग्राम में भी डिस्कस करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर हम उसको पीछे डिटेल से बात करेंगे कि हर एक मसल बंडल में मसल फाइबर, और हमने क्या किया, एक मसल फाइबर जो है वो लेके देख लिया, ये एक मसल फाइबर। तो इस एक मसल फाइबर के इर्द गिर्द ये देखिए आपको ये ब्लड वेसल्स भी नजर आ रही हैं, ब्लड सप्लाई भी इसको है। ठीक है, ये इसके बाहर ये सार्कोलेमा भी मौजूद है, अंदर ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम भी मौजूद है, अंदर पूरा इसका जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में क्या है, ये बेशुमार ये क्या पड़ी हुई है, ये मायोफिब्रल्स पड़ी हुई है, मायोफिब्रल। हमने से एक मायोफिब्रल लेके देख तो पता चला कि एक मायोफिब्रल के अंदर मुख्तलिफ बैंड्स बने पड़े हैं, लाइट और डार्क बैंड, और एक मायोफिब्रल के अंदर बेशुमार फिलामेंट्स हैं। ये फिलामेंट्स ही अरेंज इस तरह से हुए हैं कि लाइट और डार्क बैंड बन रहे हैं। कौन से फिलामेंट्स हैं? इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि दो तरह के फिलामेंट्स हैं, एक एक्टिन फिलामेंट है जिनको हम थिन फिलामेंट कहते हैं और दूसरे मायोसिन फिलामेंट है, ये ग्रीन कलर में, जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये थिन और थिक फिलामेंट जो है वो रेंज है इस तरह से कि ये जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट, इसको सराउंड किया हुआ है इसने थिन फिलामेंट ने, एक थिक फिलामेंट को 6 थिन फिलामेंट ने सराउंड किया होता है एट ईच एंड, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह से है कि ये जो थिक फिलामेंट है, जितनी थिक फिलामेंट की लेंथ है, एंटायर लेंथ, ये एक बैंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए बैंड, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक फॉर लाइट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बैंड में क्या चीज मौजूद है कि एक तो एंटायरली थिक फिलामेंट मौजूद है और उसके अलावा मार्जिन्स पे थिक फिलामेंट के ये थिन फिलामेंट्स भी मौजूद। तो अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि डार्क बैंड इज मेड बाय, और ऑप्शन हो आपके पास थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट सराउंडेड बाय थिन फिलामेंट, ओनली बाय थिक फिलामेंट, तो आपके पास आंसर यही होना चाहिए कि थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट दैट सराउंड दैट इट्स मार्जिन।
अब जहां जहां पर थिक फिलामेंट के ऊपर मौजूद है थिन फिलामेंट, वो एरिया ज्यादा डार्क हो जाएगा, और जहां पर सिर्फ ये थिक फिलामेंट ही मौजूद है, ये देखिए जैसे ये एरिया है यहां से लेके यहां तक, तो ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ये थिक फिलामेंट मौजूद है। आपको ये यहाँ पर मैं इसमें पेंसिल के साथ क्लियर कर देता हूँ। ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है थिक फिलामेंट। तो ये एरिया ओवरऑल यहां से लेके यहां तक जो डार्क एरिया बना हुआ था, उसकी निस्बत ये एरिया थोड़ा सा ब्राइट होगा। तो इस ब्राइट जोन को हम नाम देते हैं, हेली लफज ब्राइट से है, ठीक है, हेली के मीनिंग ब्राइट बनते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं एच जोन का, ठीक है, एच जोन का। और फिर ये जो एच जोन है, इसके दरमियान में एक लाइन है, एक पोर्शन है, जो क्या कर रहा है, इस थिक फिलामेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बाइफ्रक्टेट कर रहा है। वो जो दरमियान वाली लाइन है, दैट इज द मिडल लाइन, ठीक है, उसको हम एम लाइन का नाम देते हैं। इसका मतलब है थिक फिलामेंट कंटेन मायोसिन, 200 मायोसिन के मॉलिक्यूल मिलके एक थिक फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। दीज थिक फिलामेंट आर सराउंडेड बाय थिन फिलामेंट, 6 एक्टिन फिलामेंट सराउंड द थिक फिलामेंट एट ईच एंड। तो जहां पर ओवरऑल लेंथ है थिक फिलामेंट की, दैट इज कॉल्ड एज ए बैंड, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक पर लाइट, ठीक है। और जो उसमें दरमियान वाला पोर्शन है, जो वो ब्राइट है थोड़ा सा, उसको हम नाम देते हैं एच जोन का, और उसके दरमियान वाली जो लाइन है उसको हम नाम दे देते हैं एम लाइन का। ये तो बात होगी थिक फिलामेंट। अब जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट में मौजूद है एक्टिन, मेन प्रोटीन एक्टिन है। ये थिक फिलामेंट यहां से लेके यहां तक ओवरऑल होता है। तो थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। थिन फिलामेंट के दरमियान में एक जी लाइन जो है वो बनती है, दैट इज दिस विश लाइन। जितनी लेंथ है थिन फिलामेंट की, उसमें से वो लेंथ जिसने ओवरलैप किया हुआ है थिक के ऊपर, आप सिर्फ उस लेंथ को निकाल दें, तो बाकी जो लेंथ बचेगी, दैट विल फॉर्म द आई बैंड, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक फॉर लाइट, ठीक है। और आई बैंड के दरमियान में है जी लाइन, दो जी लाइन के दरमियानी फासले को हम नाम देते हैं एक्सार्कोमियर, दैट इज द बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। मतलब हम बात करें अब इसकी, तो एक सार्कोमियर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो एक सार्कोमियर में हमने अभी बात की कि लाइट और डार्क बैंड्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें जो डार्क बैंड है वो ए बैंड है, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक फॉर लाइट, और जो लाइट बैंड है दैट इज आई बैंड, दैट इज आइसोट्रॉपिक फॉर लाइट। ए बैंड के दरमियान में एक एच जोन होता है जो ब्राइटर है मिडल सेक्शन में, और एच जोन के दरमियान में एम लाइन होती है, ठीक है, जो बिसेक्ट करती है एच जोन को, दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। और आई बैंड के दरमियान में जो है वो एक जी लाइन होती है, जीविश लाइन, दो जी लाइंस के दरमियानी फासले को हम क्या नाम देते हैं, सार्कोमियर का नाम देते हैं। ये जो डार्क बैंड है, बेसिकली उसके अंदर क्या चीज मौजूद है, मायोफिलामेंट्स मौजूद है। कौन से मायोफिलामेंट्स मौजूद है, थिक मायोफिलामेंट्स मौजूद है, मायोसिन फिलामेंट जो है वो मौजूद है। तकरीबन 200 के करीब मायोसिन के मॉलिक्यूल मिलके वो एक थिक फिलामेंट बनाते हैं, जिसका कोई तकरीबन 16 नैनोमीटर जो है वो डायमीटर है, ठीक है, और हर एंड पे उसको 6 एक्टिन के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है। एक मायोसिन के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें ना, तो उसकी एक टेल होती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल, और दो उसके ग्लोबुलर हेड होते हैं, जो उसके जो दोनों ग्लोबुलर हेड है ना, दैट फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। उन्होंने एक्टिन की एक्टिव साइड में जाके लग के क्रॉस ब्रिज बनाना है। थिन फिलामेंट जो है ये क्रॉस आई बैंड मौजूद है,
ठीक है, और ये थोड़े से पार्शली ए बैंड में भी मार्जिन पे जैसे मैंने बात की थी एंटर हुए हुए, 7 से 9 डायमीटर है इसका नैनोमीटर, और इसमें तीन तरह के जो थिन फिलामेंट में तीन तरह की प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है उसकी दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें, एक्टिन फिलामेंट में दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ट्रोपोमायोसिन की है, और तीन पॉलीपेप्टाइड का कॉम्प्लेक्स एक ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल बनता है जो मैनिन नंबर में होता है। ये जो ट्रोपोनिन के जो है वो तीन यूनिट्स हैं, उसमें से एक ने एक्टिन से बाइंड करना है, एक ने ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करना है, और एक ने कैल्शियम आयन के साथ बाइंड, ये हमने डायग्राम अच्छी तरह से डिस्कस की अभी। मजीद हम आगे बात करते हैं सार्कोमियर लेवल की। ये आपके पास एक मसल फाइबर है और उस मसल फाइबर में ये मायोफिब्रल है, ये हमने एक मायोफिब्रल ले लिया, इसी को हमने ज्यादा जूम करके देखा, बड़ा करके देखा, तो पता चला कि इसमें तो अल्टरनेट अरेंजमेंट हुई हुई है लाइट और डार्क बैंड की। हम पहले बात कर लेते हैं डार्क बैंड की, तो डार्क बैंड में ये देखें, ये जितनी मायोसिन के मॉलिक्यूल की लेंथ है, मायोसिन के चेन की लेंथ है, उतनी ही लेंथ जो है वो ए बैंड की है। हमने उसमें से एक मायोसिन फिलामेंट लेके देखा, तो एक मायोसिन फिलामेंट में हमें क्या नजर आ रहा है, ये देखें, ये प्रोटीन है और ये उसका क्रॉस ब्रीड, तो ये सारी प्रोटीन्स मिलके एक फाइबर बना रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है उसके इर्द गिर्द बाहर क्रॉस ब्रिज निकला हुआ, ये वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं जो टेल बना रही हैं मायोसिन की, वो इधर दरमियान में सारी है, और जो हेड बना रही है वो बाहर को प्रोजेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि मायोसिन फिलामेंट से बहुत सारे जो है ये हेड जो है ये प्रोजेक्टेड है, ये प्रोजेक्टेड आउट है, और हर हेड के भी दो पार्ट हैं, ये देखिए ये इस तरह से, एक ने बाइंड करना है किसके साथ, एक्टिन की बाइंडिंग साइट में, और दूसरे ने जो है वो इसमें बाइंड करना है एटीपी के साथ हाइड्रोलाइज होने के लिए, ठीक है। अब दूसरी जो चीज है वो है थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में ये जो आपको बीड्स नजर आ रही हैं येलो येलो, ये एक्टिन के मॉलिक्यूल की चेन है। एक्टिन के अंदर एक्टिन में बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं जिसके साथ मायोसिन के हेड्स ने अटैच होना है, ठीक है, उन बाइंडिंग साइट्स को कवर रखा हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने, तो इसलिए दो चेन अगर एक्टिन की हैं तो दो ही चेन साथ में ट्रोपोमायोसिन की हैं, एंड बेसिक रोल ऑफ ट्रोपोमायोसिन टू कवर द बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन। उसके अलावा ट्रोपोनिन यूनिट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ जगह जगह पर, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये ट्रोपोनिन यूनिट्स जो है वो बेशुमार इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके सामने एक मायोसिन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, आप देखें टेल है और उसके साथ हेड है, और हेड में भी दो रीजन है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक जो है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये देखें, ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे दूसरा तीसरा चौथा, तो तकरीबन 200 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके ये एक क्रॉस ब्रिज बनाते हैं मायोसिन। ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है, और ये एक्टिन फिलामेंट को देखें, इसमें जो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स है ना, उन एक्टिन के मॉलिक्यूल्स में बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं, ये ब्लैक ब्लैक डॉट, ये बाइंडिंग साइट्स हैं, ये एक्टिन की ये बाइंडिंग साइट, इनको कवर किया हुआ है, ये एक्सपोज्ड नहीं है, इनको कवर किया हुआ है, किसने कवर किया हुआ है,
दैट इज बाय ट्रोपोमायोसिन। ये देखिए ट्रोपोमायोसिन इस तरह से ऊपर मौजूद है कि ये सारी बाइंडिंग साइट कवर हुई है, और साथ में लिंकर के तौर पर मौजूद है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन के यूनिट्स जो है वो काफी सारे मौजूद हैं जो लिंक कर रहे हैं इस ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के साथ, और एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है वो कवर हुई हुई है, वो कवर हुई हुई है। तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन एक्टिन की, दो पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रोपोमायोसिन की, और मैनी कॉम्प्लेक्स ट्रोपोनिन के, ये मिलके ये एक थिन फिलामेंट बनाता है। ये आपके सामने डायग्राम जिसमें मसल के अंदर किस तरह से अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड मौजूद है, ये हमने जब यहां तक डिस्कस कर लिया। अब मसल ने जब कॉन्ट्रैक्ट होना है तो वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के तहत होना है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है? इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिन के मॉलिक्यूल हैं अच्छा तो इसमें जो जस्ट वेट करें अच्छा हम बात कर रहे थे कि ये थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या होता है कि जो मायोसिन के हेड हैं वो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं एक्टिन के साथ, और क्या हो जाता है कि जैसे क्रॉस ब्रिज बनते हैं कॉन्फ्लिक्शन आती है आर्म्स में मायोसिन के हेड्स में, और ये थिन फिलामेंट स्लाइड कर जाते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर। जब ये थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो इसकी स्लाइडिंग की वजह से सार्कोमियर की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, और जब सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, ये देखें सार्कोमियर की लेंथ यहाँ पर देख लें और सार्कोमियर की लेंथ यहाँ पर देख लें, ये शॉर्ट होती जा रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त सार्कोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, जी लाइन एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, दरमियान में जो एच जोन मौजूद था वो कम होता होता, एच जोन शॉर्ट होता होता डिसअपियर भी हो सकता है। आई बैंड जो है उसकी भी अगर हम बात करें तो ये देखें इसके ऊपर जब स्लाइडिंग आएगी तो आई बैंड भी जो है वो शॉर्ट होता जाएगा, लेकिन ए बैंड की लेंथ के ऊपर, ये देखें यहां से लेके यहां तक ए बैंड की लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त थिन फिलामेंट वो स्लाइड करेंगे थिक फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज इसमें वो क्या है कि ए बैंड जो है उसकी लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, एच जोन छोटा होता जाएगा और डिसअपियर हो सकता है, एम लाइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जी लाइन एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगी, आई बैंड की लेंथ में जो है वो कमी हो जाएगी। ये पॉइंट्स हैं, ये मॉडल दिया था एक्सले ने, एच एक्सले और एफ एक्सले ने। अब इस मॉडल के मुताबिक मसल कॉन्ट्रेक्शन के वक्त जो है स्लाइडिंग हो जाती है थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट की। अब ये स्लाइडिंग होगी कैसे? एनर्जी की मदद से। यहां पर कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो एनर्जी मिलनी है वो एनर्जी मिलनी है एटीपी की वजह से, और वो एटीपी कहां से आनी है? वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सेल के अंदर जो एरोबिक ब्रेकडाउन हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, उससे जो एटीपी है वो इसको मिले मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। या फिर क्या होता है कि जो मसल के अंदर जो है वो क्रिएटिनिन फास्फेट है, उससे एक फास्फेट जो है वो उतर के, ठीक है, वो जो है वो एटीपी बना रहा होता है, और वो क्रिएटिनिन फास्फेट से फास्फेट जब एटीपी को मिलता है तो एटीपी बन जाती है और ये एनर्जी सोर्स देती है। या फिर क्या होता है कि ये एटीपी एनएरोबिक ब्रेकडाउन से जो है वो बनाई जाती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक नहीं एनएरोबिक है, बाय लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है, उसके जरिए जो है वो एटीपी जो है वो बना ली जाती है वो भी। तो पहली प्रायोरिटी एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, सेकंड प्रायोरिटी अगर एटीपी अभी भी कम हो रही है तो एरोबिक के साथ साथ, ठीक है, क्रिएटिनिन फास्फेट से ले ली जाए, और थर्ड प्रायोरिटी ये है कि अगर फिर भी पूरी नहीं हो रही एटीपी तो फिर साथ में एनएरोबिक ब्रेकडाउन से भी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से भी एटीपी जो है वो ले ली जाए। तो ये एटीपी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो चाहिए। कैसे चाहिए?
एटीपी ने क्रॉस ब्रिज बनाने में रोल प्ले करना है, ठीक है। एटीपी क्रॉस ब्रिज बनाने में रोल प्ले करती है, क्या रोल प्ले करती है इसके हवाले से अगर हम बात करें तो जो एटीपी है ना वो बाइंड करती है मायोसिन के हेड के साथ, ठीक है। जब मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करती है तो उसके बाइंड होने से डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था ना पहले, वो क्रॉस ब्रिज टूटता है और वो क्रॉस ब्रिज जब टूटता है डिटैच हो जाती है, साथ ही साथ क्या होता है फिर ये एटीपी हाइड्रोलाइज होगी और इसकी वजह से जो मायोसिन का जो हेड है, ठीक है, वो रिटर्न होगा अपनी रेस्टिंग कंफर्मेशन में, या दूसरे लफ्जों में एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक हो गया। ये अगर वो आम ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड था तो ये बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, फॉग स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अक्रॉस ब्रिज फॉर्म्ड, क्रॉस ब्रिज बनेगा, ये कब बनेगा, दैट इज ड्यू टू कैल्शियम आयन। यहां पर कैल्शियम आयन का रोल, कैल्शियम आयन की वजह से क्रॉस ब्रिज बनेगा। जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो क्रॉस ब्रिज बनते वक्त ये जो एटीपी है जो हाइड्रोलाइज होके जिसने जो अभी अभी अटैच ही है मायोसिन के हेड के साथ, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट का जो मायोसिन का हेड है दैट विल फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। और क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है, कैल्शियम आयन की जरूरत है, ठीक है। जैसे कैल्शियम आयन आएंगे वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट को एक्सपोज करेंगे, कैसे एक्सपोज करेंगे कि कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन मूव करवाएगी ट्रोपोमायोसिन को, ट्रोपोमायोसिन क्या करेगी डिस्प्लेस कर देगी किसको, वो डिस्प्लेस कर देगी ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की बाइंडिंग साइट के ऊपर से, और इस तरह से ओवरऑल जो है वो इसमें हमारे पास बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएंगी उसकी मायोसिन की और उसके साथ सॉरी एक्टिन की और उसके साथ मायोसिन का हेड अटैच हो जाएगा। ये कौन सी जो है वो अटैच होगा, जो एक्साइटेड स्टेट में है, जो एक्साइटेड स्टेट में, ये जैसे ही हेड अटैच होगा दैट विल रिलीज द एडीपी, वो एडीपी को रिलीज कर देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी यहां से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और रिलीज करते हुए क्या करेगा, दैट विल कॉज द पावर स्ट्रोक, ठीक है। वो जो एक्साइटेड स्टेट में थे वो एक्साइटेड स्टेट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वो डी एक्साइटेड हो जाएगा, यानी कि अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट था तो वो क्या हो जाएगा, वो इस तरह से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगा। जब वो इस तरह से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाएगा मुड़ जाएगा तो उसके ऊपर जो लगा हुआ एक्टिन था दैट विल स्लाइड ओवर, वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्रॉस ब्रिज साइकिल के अंदर एटीपी का जो इस्तेमाल है वो एक ही एटीपी है, एक ही एटीपी है। जब वो एटीपी अटैच हो रही थी तो वो क्या कर रही थी, बेसिकली ये जो डी एक्साइटेड हो चुका हुआ है आर्म कॉन्ट्रेक्शन के वक्त, ये उसको एक्साइट कर रही थी और एक्साइट करते हुए क्रॉस ब्रिज तोड़ रही थी। इसका मतलब है सेम एटीपी वो क्रॉस ब्रिज को तोड़ भी रही है और इसकी आर्म की एक्साइटेशन का सबब भी बन रही है। अटैचमेंट से क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, ठीक है, एटीपी की अटैचमेंट से, और वो एटीपी हाइड्रोलाइज होके वो एक्साइटेड स्टेट में कर देती है किसको, क्रॉस ब्रिज के वो मायोसिन के जो है वो हेड के साथ लगे हुए आर्म को। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम आयन की वजह से जब बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है एक्टिन की, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होते साथ ही ये जो एटीपी अटैच हुई हुई थी हाइड्रोलाइज जो साथ हो रही थी, जो एक्साइटेड जिसने किया हुआ था मायोसिन के जो है वो हेड को, वो एटीपी जो है वो एडीपी डिटैच होगी और उसके डिटैच होने से वो दोबारा वही मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो होगा, यानी कि डी एक्साइटेड हो जाएगा आर्म और डी एक्साइटेड होने से जो है वो कॉन्ट्रेक्शन जो है वो आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ इस सारी डायग्राम में जो समझाने का मकसद है वो ये है कि एक ही एटीपी एक क्रॉस ब्रिज साइकिल को कंट्रोल कर रही है। हमारा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि एक एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड है मायोसिन जो है वो बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या नाम है उसका
क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए और एक जो है वो रिक्वायर्ड है क्रॉस ब्रिज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, एक ही एटीपी है जो पूरा क्रॉस ब्रिज साइकिल चलवाती है, एक ही एटीपी। और अगर ये एटीपी नहीं होगी तो वो क्रॉस ब्रिज टूटेंगे ही नहीं जो पहले बने हुए थे, रिगर मोर्टिस। जब वो क्रॉस ब्रिज नहीं टूटेंगे तो वो मसल नई कॉन्ट्रेक्शन करवा ही नहीं सकते, क्योंकि वो पहले वाला क्रॉस ब्रिज टूटेगा, वो टूटने से ये एक्साइट होंगे आर्म्स, और एक्साइट होंगे तो ये दोबारा अटैच होके नए क्रॉस ब्रिज बनाने के काबिल होंगे। तो जब वो पहले वाले ही नहीं टूटेंगे तो इसके एक्साइट होने से इसके जब वो फिर है नहीं इसमें जो है वो किसी तरह सा, तो एटीपी की कमी वो रिगर मोर्टिस का जो है वो सबब बन। ये एटीपी का रोल हमने डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्रॉस ब्रिज साइकिल में अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज में मेन किसका रोल है, कंट्रोल कौन करता है सारे क्रॉस ब्रिज बनाने और तोड़ने में। ठीक है, ये पूरा मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके कंट्रोल को जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए जो हमारे पास जो वो इतना ही काफी है। इसमें अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो है आप मुझे पूछ सकते हैं।